के इलेक्शन हुए और नई हुकूमत बने 9 माह हो चुके हैं, मगर लाहौर की सड़कों पर एक दफा फिर वोट को इज्जत दो का नारा गूंजा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेल वापसी को नून लीग की सियासत में एक नई रूह फूंकने के लिए इस्तेमाल किया गया। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस जिंदगी की रमक को बरकरार रख सकेगी या नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत को दरपेश बहुत से चैलेंजेस में से एक चैलेंज उनकी पार्टी के अंदर बेचैनी भी है। तहरीक इंसाफ के मुंतखब अराकीन को इस बात पर तहफ्फुज़ात हैं कि गैर मुंतखब लोगों को अहम ओहदों पर फायज क्यों किया जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ के अराकीन अदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं और उनका ये खदशा वज़ीर आज़म पर गैर एतमादी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर और FBR के 9 मुंतखब चेयरमैन की तैनाती पर अभी तक कई सवालिया निशानात हैं। वो कौन सी वजूहात हैं जिसने इन तैनातियों को मुतनाजिया बना दिया है। इन सब पर और हालात हाजरा पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं उसामा मालिक और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। आज सुबह में एक नहायती अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां दाता दरबार के बाहर खुदकुश धमाका हुआ और इस धमाके में खसूसन सिक्योरिटी एहलकारों को, एलीट फोर्स के जो जवान वहां पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे उनको टारगेट किया गया। और सुनने में अभी तक रिपोर्ट्स में यही आ रहा है कि 10 लोग शहीद हुए हैं जिसमें से 6-7 एहलकार भी शामिल हैं और 20 से 25 लोग ज़ख्मी हैं। सर, इस धमाके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जमातुल अहरार नामी एक तंजीम है, उसने क्लेम की है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा इस बारे में यही है कि ये जमातुल अहरार ये कौन लोग हैं और इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इससे पहले कहां-कहां कार्रवाइयां कर चुके हैं? जी हाँ, ये जमातुल अहरार या हिज़्बुल अहरार इंटरचेंज होते रहते हैं नाम, ये 2014 के बाद ये वजूद में आए। ये तहरीक तालिबान का ओरिजिनल हिस्सा थे, फिर वहाँ से ये स्प्लिट ऑफ हुए। ये जो ग्रुप था वो उमर खालिद खुरासानी शख्स एक शख्स था जिसने स्प्लिट ऑफ किया, और जिनका नाम शायद आप इतना फेमिलियर नहीं है लोग, मगर एक और साहब थे जो कि इनके स्पोक्समैन बन चुके थे, एहसानुल्लाह एहसान साहब, जो कि हमेशा सारी PR उनकी करते थे और जब भी कोई अटैक होती थी उसको क्लेम करते थे। तो एहसानुल्लाह एहसान साहब का नाम जो है वो लोगों को पता है। तो ये दोनों हजरात जो थे इन्वॉल्व, उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ अटैक्स करनी शुरू की। 2014 में तो कोई नहीं, 2015 में एक अटैक थी, 2016 में और 17 में 4-4 सुइसाइड अटैक्स हुई, तो 8 हो गई और एक पहले थी 9। और फिर अब 2018 में इंटरेस्टिंग बात है, कोई अटैक नहीं हुई, एक भी नहीं हुई पूरे साल। और फिर 2019 में अब 2 हो चुकी हैं, एक जनवरी में और एक फरवरी में, इनफैक्ट एक अब 3 हो चुकी हैं। तो इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि पहली बात यह है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करते हैं आमतौर पे, दूसरी बात यह सुइसाइड बॉम्बर्स इस्तेमाल करते हैं, और तीसरी चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि एहसानुल्लाह एहसान साहब 2017 में उन्होंने अपने आप को हैंड ओवर कर दिया था टू पाकिस्तान मिलिट्री। अच्छा जी। इन द एरिया, और ये खबर भी आई थी कि उन्होंने खुद ही वॉलंटरली है अपने आप को गिरफ्तारी दे दी। उसके बाद पहले ये सुनने में आया कि उनको कोई वादा माफ गवाह बना लिया गया है, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उनको कोई वादा कर दिया एमनेस्टी का या कम सज़ा का। फिर जब मीडिया ने बहुत से सवाल पूछे कि भई ये कौन साहब हैं, इनको कैसे माफ़ कर दिया जाए, इन्होंने तो 320 से ज़्यादा लोग जो हैं इस जमात ने दो तीन साल में मार दिए हैं और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी किए हैं, तो ये कैसे आप इसको माफ़ कर सकते हैं? उसके बाद एहसानुल्लाह एहसान के बारे में सिक्योरिटी इदारों ने बात करनी बंद कर दी, और अब ये कहा जाता है कि वो जेल में हैं। अच्छा। मगर उनके बारे में, उनके ऊपर क्या चार्ज लगा है, कैसे, कौन ट्रायल हो रही है और नहीं हो रही, मिलिट्री कोर्ट है नहीं है, अब तो मिलिट्री कोर्ट्स भी नहीं रहे, तो उनकी एग्जैक्ट पोजिशन नहीं पता किसी को, और सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो बता भी नहीं रहे हमें। अब अगर आप 1+1 करके 2 बनाना चाहें तो ये आप कह सकते हैं कि 2016 में और 17 में जो अटैक्स हुए उसके बाद फ़ौज की तरफ से क्रैकडाउन आया होगा, वैसे भी क्रैकडाउन था TTP के ऊपर, तो उस क्रैकडाउन के अंदर हो सकता है एहसानुल्लाह एहसान डबल एजेंट हो सकता है ना हो, मगर
तो 2018 में कोई अटैक्स नहीं हुए, और मेरा ख्याल है वो इस वजह से कि एहसानुल्लाह एहसान साहब जब वो गिरफ़्तार हो गए या दे दी गई गिरफ़्तारी, तो इनके जो साथी थे उन्होंने यहाँ से बोरी बिस्तरा उठा कर अफगानिस्तान चले गए, क्योंकि उन्हें शायद ये फिक्र था कि ये उनकी हाइड आउट्स वगैरह ये इन्फॉर्मेशन ना दे दें। फिर दो पूरा साल वो ऑर्गेनाइज़ करते रहे, अब फिर उन्होंने अपने अटैक्स लॉन्च करने शुरू किए। तो इनके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तीन बड़े खसूसन इम्पॉर्टेंट हैं, उनका जिक्र करना चाहिए। एक तो ये कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इस्लामी नहीं है, तो इस रियासत को ओवरथ्रो करना है और यहाँ एक इस्लामी रियासत कायम करनी है जिसका ताल्लुक ग्लोबल रियासत के साथ कैलिफेट के साथ हो। दूसरा बहुत ही ख़तरनाक, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं, एटमी हथियार हैं, उन पर इन्होंने हमने कब्ज़ा करना है। अच्छा। और वो हमने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और तीसरा ये है कि ये कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों को ज़्यादातर अटैक करना है इन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये तीन ऑब्जेक्टिव्स इनके हैं, और इसीलिए आपने देखा कि सिविलियंस जो है वो एज कोलैटरल डैमेज मारे जाते हैं बट नॉट डायरेक्ट अटैक्स के ऊपर। हालांकि डायरेक्ट अटैक्स भी हुई हैं मार्केट प्लेसेस में वगैरह। अब ये जो लेटेस्ट अटैक है आपने देखा पुलिस व्हीकल के ऊपर एक सुइसाइड अटैक हुई है, मगर एक ऐसी जगह पे जहाँ बहुत बड़ा मजमा था, जहाँ इम्कान था कि और लोग भी मारे जाएंगे। तो एक मेन टारगेट और फिर सब्सिडरी टारगेट्स। ठीक है सर, सुनने में तो हम यही सुन रहे थे कि जो इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड टेरर नेटवर्क्स हैं, और ISPR की तरफ से भी ये आ रहा था कि वो अब डिसबैंड कर दिए गए हैं और पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट नेटवर्क नहीं है, तो सर पर ये कहाँ से आ गया? यार ये बात सही की आपने, एक्चुअली ये मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में बेस नहीं है। तो उस सिलसिले में DG ISPR साहब ने जो कहा वो सही है कि पाकिस्तान के अंदर बेस नहीं है अब इनका, अलबत्ता यहाँ स्लीपर सेल ज़रूर होंगे। अब देखिए ना, एक बच्चा है उसको उन्होंने इकट्ठा किया, तैयार किया है, उसको सुइसाइड जैकेट पहनाई है। अब सुइसाइड जैकेट बनाई है या आई है कहीं से? अगर बनाई है तो किसी स्लीपर सेल ने यहाँ बनाई है, अगर आई है तो किसी कोई लेके आया है, यहाँ किसी के पास पहुँची है, इस बच्चे को तैयार किया गया है, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि इनको भी जो स्लीपर सेल्स हैं यहाँ जो कि हैंडलर्स हैं उनके लोकल, उनको भी पकड़ दकड़ करनी पड़ेगी। और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, बिकॉज आपको याद होगा उसामा के कोई एक या डेढ़ दो माह पहले एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी जो कि सब इदारों में सर्कुलेट हुई थी कि 8 या 10 टेररिस्ट जो हैं वो लाहौर शहर में घुस गए, और सबको एडवाइस दी गई थी कि ज़रा ख्याल कीजिएगा। खसूसन कुछ जर्नलिस्ट को भी ये इतला थी और रियासत के इदारों को तो थी ज़ाहिर है। तो मेरा ख्याल है ये इसका शायद तल्लुक उसी के साथ हो। तो ये बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर ऐसे सुइसाइड बॉम्बर्स अब आते रहे तो ये तो किसी भी जगह पे अटैक कर सकते हैं, और इसके साथ वो जो हमारा एक सॉफ्ट इमेज हम जो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, अभी आपने देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ जी, उसमें क्रिकेट टीम नहीं खेली, वहाँ मैचेस पोस्टपोन हो गए। अगर यहाँ लाहौर में अगर इस किस्म की चीज़ें हुई या कभी, तो फिर ये जो सारी क्रिकेट की इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की जो बात आप कर रहे हैं ये मसला बन सकता है। अभी भी आपने देखा कि जब PSL हुआ है तो उसमें भी 4 मैच लाहौर में खेलने थे, यहाँ से कोई सिक्योरिटी थ्रेट थी तो इन्होंने उठा के सारे कराची में शिफ्ट कर दिए। अब अगले साल प्लान यही है कि सारे के सारे PSL के मैचेस यहाँ होंगे, इमरान खान साहब ने खुद कहा है। तो ज़रा सोचना चाहिए सिक्योरिटी एजेंसियों को भी कि कैसे होगा ये अगर इस किस्म की चीज़ें होती रही तो। ठीक है सर, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। अब वो बाकायदा तौर पे वापस जेल जा चुके हैं, और एक कारकुनान का हजूम था जिसके जो उन्हें जेल छोड़ के आया, और साथ ही साथ मरियम नवाज साहिबा भी थी और हमजा शहबाज साहब उनकी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। तो सर उन्हें छोटा सा एक वीडियो पैगाम दिया आवाम के लिए, वो पहले मैं आपको और अपने नाज़रीन को सुनवाता हूँ, फिर मैं उस पर सवाल करता हूँ। मैं अपने प्यारे कारकुनों का बहुत मशकूर हूँ, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिंदा दराने लाहौर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज यहाँ पे मुझे मेरे साथ साथ चलते रहे और अभी तक साथ साथ चल रहे हैं। रात के 12 बज गए हैं, रमज़ान शरीफ के इस पहले रोज़े में इस वालेहाना जज्बे का उन्होंने इजहार किया है। अब मैं कौन से अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करूँ, और
मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह उनका ये जज्बा और उनकी ये दुआएं रंग लाएंगी इंशाल्लाह, और ये जुल्म की स्या रात इंशाल्लाह ख़त्म होकर रहेगी इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और ये जो जेल की काली कोठरी जो है, इससे इंशाल्लाह इनकी दुआओं से मुझे निजात मिलेगी। और मैं जानता हूँ कि ये समझते हैं कि ये जानते हैं कि मुझे किस गुनाह की सजा दी जा रही है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबको खैर बरकत से हमको नाल फरमाए। मेरी आपके लिए दिली दुआएं हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी शेठी साहब, सुना आपने, यहाँ पे दो तीन सवाल मेरे, मैं इकट्ठी पूछ लेता हूँ। पहला तो सर ये मुझे बता दें कि ये जो टर्नआउट था और जो कारकुनान निकले थे, ये आपके ख्याल में सही तादाद थी या इससे ज़्यादा होने चाहिए थे? देखिए, एक दिन का नोटिस दिया गया और उस नोटिस में भी दो बातें निकली। एक तरफ इनके लीडर्स कह रहे थे कि हमने तो किसी को नहीं कहा कि आप निकलें, हमने तो कहा कि हम जा रहे हैं, जो आ सकता आ जाए, अंडर प्ले किया। दूसरी तरफ ये कहा कि नहीं, हमने कहा लाहौर वालों को निकले। तो एक तरफ कॉल दी भी थी और एक तरफ कॉल नहीं भी दी। मेरा ख्याल है कॉल दी थी कि कुछ निकलो, मगर फिर इसलिए कॉल नहीं दी कि ज़्यादा ही ना हो जाए और फिर नाराज़ ना हो जाए। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि यही हुआ, मगर इसके बावजूद कि कन्फ्यूजन रही, इसके बावजूद और एक दिन का सिर्फ शॉर्ट नोटिस था, मैं समझता हूँ टर्नआउट बहुत इम्प्रेसिव था। जो मर्जी नून लीग कह ले कि जी 30,000 50,000, जितने भी लोग थे, 10,000 हों या 15,000 हों, इम्प्रेसिव शो थी इन हालात में। और इसकी जो दिलचस्प डायमेंशन है वो ये कि टेलीविज़न चैनल्स ने इसको वो अहमियत नहीं दी मेरे हिसाब से जो देनी चाहिए थी। ये थी, लोगों ने अपने प्राइम टाइम के प्रोग्राम चलते रहे। देखे ना, 8 बजे के बाद प्राइम टाइम शुरू हो जाता है और वो प्रोग्राम चलते रहे और छोटी छोटी साइड के ऊपर थोड़ी थोड़ी झलकियाँ इसकी दिखाते रहे और नीचे पट्टियों में खबरें देते रहे कि जी अब यहाँ पहुँच गया, ये हो गया, ये वो हो गया। मगर वो जिस तरीके से पहले कवर करते थे, जब मियाँ साहब वापस आए मोटरवे पे तो वो कवर किया, या धरने को जिस तरीके से कवर किया गया, हालांकि पता नहीं 126 दिन हो गए थे, फिर भी पीटीआई के धरने को फिर भी आखिरी स्टेजेस में भी, जब वहाँ मेरे ख्याल 600-800 लोग होते थे, फिर भी इतनी कवरेज मिलती थी उसको। तो इसको इतनी कवरेज नहीं दी। अब यहाँ कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि ये एडवाइस आई थी कि मत कर, इसको अहमियत मत दें, फुल फ्लैश कवरेज ना दें। जब हमने तफ्तीश की तो पता ये चला कि एडवाइस ऐसी खसूसन एडवाइस तो कोई नहीं आई। ठीक, तो अगर खसूसन एडवाइस ऐसी नहीं आई तो फिर क्यों इतनी बुरी कवरेज थी, इतनी अच्छी एडिक्वेट कवरेज नहीं थी, ड्यू कवरेज नहीं थी। उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि चैनल के मालकान ने सोचा कि एडवाइस तो नहीं आई मगर एडवाइस खुद ही ले लेते हैं। ठीक, सही। क्योंकि जाहिर है कि इनको अगर हम प्रमोट करेंगे या ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखाएंगे तो कुछ लोग परेशान या नाराज़ हो जाएंगे। तो शायद सेल्फ सेंसरशिप भी थी थोड़ी बहुत एहतियात भी की गई कि ज़्यादा कवरेज ना दी जाए। शायद थोड़ा ये भी था कि शायद इन्हें एहसास ही नहीं था कि इतना बड़ा जलसा बन जाएगा, ये इतना बड़ा हजूम हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है DSNG जितनी तादाद में भेजनी चाहिए थी वो भी नहीं भेजी। तो मिली जुली बात थी। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर पर कुछ चैनल्स ने हाथ हौली रखा और कुछ चैनल्स ने, जिन्होंने एक आध ने जो सही तरीके से दिखाया है, मेरा ख्याल है मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो अब एक दो दिन तीन दिन के लिए वो गायब हो जाएंगी, आगे पीछे हो जाएंगी। तो जिससे मुझे ये पता चलता है, और मुझे एक आध चैनल का पता है कि उनके साथ ऑलरेडी हो गया ये। अच्छा, और सबसे ज़्यादा वो दिखाने वाली चैनल थी और आज की मुझे जो खबर मिली है कि वो यही है कि वो अब गायब हो रही है। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब है उसको भी सबक सिखाया जा रहा है। ठीक, तो ये ज़रूर इसमें सेंसरशिप एंड सेल्फ सेंसरशिप का इसमें एक रोल डेफिनेटली था। अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा ने भी अपनी ट्वीट में इसी का जिक्र किया और उन्होंने कि वो उन्होंने चैनल वाले बता रहे थे कि हम ये प्ले नहीं कर सकते, हालांकि हजूम तो बहुत बड़ा है लेकिन हम दिखा नहीं सकते। अब मुझे नहीं पता, मैंने जिन चैनल वालों से बात की वो तो तस्लीम नहीं करते।
ہمارے اپنی چینل والے نہیں تسلیم کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو پوری دکھائی ہے. صحیح. اچھا اب بات یہ ہے کہ میں میرا یہ امپریشن ہے کہ جس طریقے سے دکھانی چاہیے تھی وہ نہیں دکھائی گئی. صحیح. یا دکھا سکتے تھے نہیں دکھائی گئی. اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. صحیح. سر فی الحال بریک کا وقت ہوا اور واپس آ کے میاں صاحب نے جو پیغام دیا عوام کو اس پہ میں آپ سے ایک دو سوال کروں گا. ناظرین ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک سیڈی صاحب. میاں صاحب کا آپ نے پیغام سنا عوام کے لیے, تو سر انہوں نے دو باتیں کی اس میں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ظلم کی سیاہ رات ہے یہ ایک دن ختم ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عوام کو پتہ ہے کہ مجھے کس ظلم کی سزا دی جا رہی ہے. تو سر جی یہ بتا دیں کہ کیا واقعی میں عوام کو پتہ ہے کہ انہیں کس ظلم کی سزا دی جا رہی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ظلم کی رات, سیاہ رات. اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے لیے تو بالکل ظلم کی سیاہ رات ہے. وہ تو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. مگر یہ بھی کہ جی وہ یہ ختم ہوگی ایک دن, مگر ایک عوام کے لیے بھی ایک سیاہ رات شروع ہو چکی ہے جس کا تعلق میاں صاحب کے ساتھ نہیں ہے مگر جس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے. یہ جو آئی ایم ایف پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور 7-8 مہینے سے یہ جو نااہلی دکھائی جا رہی ہے, انکمپیٹنس, اور اب جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے یہ تو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ ایک نئی ایک اور ظلم کی رات عوام کے لیے ہے. میرا خیال ہے اشارہ ان کا دونوں طرف ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ختم ہوگی, کب ختم ہوگی؟ جب کہ یہ حکومت جائے گی اور کوئی نمائندہ اچھی حکومت کوئی آئے گی. اپنے لیے جو وہ بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ان کی تو یہی امید ہے کہ انہیں عدالتوں سے انصاف ملے. ابھی تک جو صورت حال ہے وہ ڈامک ڈول ہی چل رہی ہے, آپ نے دیکھا جی. اور آگے کیا ہوتا ہے وہ اب عدالتوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں سکتے. البتہ ضرور سیاسی دباؤ تو بہت ہوگا اس وقت. آگے جا کے کیسے انصاف ملتا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اب ہم نہیں کہہ سکتے. مگر یاد رہے ایک بات کا کہ یہ لوگ جو باہر نکلے ہیں نا ان سب کو پتہ ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور نعرہ بھی تو لگ رہا تھا نا جی. وہی میرا اگلا سوال, ووٹ کو عزت دو والا. ووٹ کو عزت دو جی, کیونکہ یہ ظلم کی رات اس پہ وہ بھی ایک ڈائمینشن ہے. کیونکہ وہ پہلے میاں صاحب کہتے رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری ہو گیا جی. اس عوام کو خصوصاً لاہور کی یا پنجاب کی جہاں نون لیگ کی کافی اسٹرینتھ ہے, انہیں اس بات کا یہ پکا یقین ہے کہ یہ الیکشن چوری ہوئی ہے. اچھا اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس نے کس کو ہیلپ کی. اسی لیے عمران خان کو پپٹ پرائم منسٹر لوگ سمجھتے ہیں جی. اور جن لوگوں نے واکس پاپولی کیا ہے, مطلب یہ انٹرویوز کیے ہیں, ہر ایک نے یہی اسی قسم کی بات کی ہے جو ٹی وی والوں نے کیا نا, میں دیکھ رہا تھا جی. کہ عام عوام میں بہت شعور ہے, انہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے میاں صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, مریم بی بی پہ آ جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا سننے میں یہ ہے تو انہوں نے خود باقاعدہ اپنے ٹویٹر پہ بھی یہ کہا تھا کہ وہ اپنے کارکنوں سے اور عوام سے خطاب کریں گی, لیکن سر کل کوئی انہوں نے خطاب نہیں کیا اور کسی قسم کی بات نہیں کی, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ دلچسپ بات ہے, اس کی وجہ یہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ وہ کریں گی. میں ایکچولی جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ میں کروں گی تو میں تھوڑی سوچوں میں پڑ گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کریں گی کہ نہیں کریں گی. جذبے میں اگر تقریر کی جائے تو بہت سی باتیں ایسی کہی جاتی ہیں جو کہ شاید بعد میں بندہ سوچتا کہ یار یہ نہیں کہنی چاہیے تھی. آج کل باپ اور بیٹی کی جو پوزیشن ہے نا وہ تھوڑی سی انسرٹن ہے, اسی لیے ایک دن کی مہلت کے ساتھ یہ کیا, نہیں تو فل فلیج نہیں کیا. اب اگر اس جذبے کے اندر مریم اور ان کے ٹویٹ سے یہی کافی جذبہ نظر آ رہا تھا, ایموشنل سچویشن تھی, تو اگر مریم کچھ ایسی بات کہہ جاتی کہ بعد میں پچھتاتے کہ یار یہ ہم نے کیا کہہ دیا, لوگ ناراض ہو گئے, اس لیے شاید سوچا ہوگا کہ میرا کہ یہ شاید ابھی بہتر ہے کہ کوئی بات نہ ہی کی جائے. مگر جو نون لیگ کے سورسز ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے ایک بات کہتے ہیں جو جس پہ یقین بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا, ہمارا خیال تھا ہم 12 بجے تک سارا کچھ نپٹا لیں گے. جہاں جا کے انہوں نے اسپیچ کرنی تھی, جہاں اسٹیج لگی ہوئی تھی, اس وقت اگر گاڑی رکتی وہاں اور مریم گاڑی سے باہر نکلتی اور میاں صاحب بھی پھر گاڑی سے باہر نکلتے اور اس بجمے, اس ہجوم, اس رش کے اندر ان کو
ले जाया जाता स्टेज पे और वहाँ फिर वो कुछ स्पीच करती, स्पीच तो 2-3-5-10 मिनट की स्पीच होती है ना, और फिर लोगों ने ये कहना था कि मरियम ने स्पीच की, मियाँ साहब ने क्यों नहीं की। तो अगर उन्होंने करनी थी तो वो फिर गाड़ी से ही करते, मगर गाड़ी में नहीं क्योंकि वहाँ तो कोई इंतज़ाम नहीं था। तो मेरा ख्याल है फिर यही सोचा होगा कि अब पहुँचे 12 बजे भी कुछ खबरें आनी शुरू हो गई थी कि शायद जेल वाले जो हैं वो जेल उन्होंने बंद कर दी है, वो उनको ना एक्सेप्ट करें, ये खबरें भी आ रही थी। और एक स्टेज पे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस भी कर दिया था कि हमने जेल बंद कर दी 11 बजे। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की बात थी, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें मिली जुली होंगी। अच्छा। जिसकी वजह से उन्होंने फिर मुनासिब नहीं समझा कि रोक के कोई फुल फ्लेज स्पीच की जाए। ठीक। अलबत्ता ये जो मियाँ साहब ने गाड़ी में बैठ के ये पता, मेरा ख्याल है कि ये इसका एजेंडा नहीं था। अच्छा जी। ये उसी वक्त एजेंडा बना जब इन्होंने सोचा कि अब मरियम से हमने कुछ नहीं करवाना, तो बेहतर यही है कि मियाँ साहब एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अपना पैगाम जो आवाम को देना है वो दे दें। मगर मुझे मायूसी हुई सुन के मियाँ साहब को, इसलिए क्योंकि मियाँ साहब कैमरे की तरफ नहीं देख रहे थे, मियाँ साहब छाती बाहर निकाल के जज्बे के साथ बात नहीं कर रहे थे, एक धीमी सी आवाज़ में बात कर रहे थे। वो ये इम्पैक्ट उसका वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। सही। अच्छा वो भी मेरा ख्याल है वो सिचुएशन ही ऐसी थी, मायूसी तो होगी। जिस किस्म की उनकी सेहत है, इस सिचुएशन में जेल में वापस जाना और पता नहीं कितना अरसा रहना पड़ेगा, फिर मेडिकल ये मेडिकल वो सारा कुछ, तो मेरा ख्याल है ये सारी सूरत हाल थी। काश के मियाँ साहब यही बयान कैमरे में देख के कुछ थोड़े जज्बे के साथ कह देते तो मेरा ख्याल है वो उसका काफ़ी उसकी अहमियत होनी थी, इफेक्ट होना था। ये बयान जो है ये मेरा ख्याल है आवाम पहले तो मायूस हुए कि मरियम नहीं बोली थी, देखिए स्टार तो वो हो गई है ना, आई कैचिंग अपील है उनकी बड़ी, और आवाम को भी इस बात का एहसास है कि काफ़ी जज्बे के साथ बोलती है और रेजिस्टेंस शेरनी है। तो आजकल शेर जो है बेचारा थोड़ा सा जैसे लगता था कि वो कोई टीका लगा हुआ है, सेडेटेड है। हाँ सेडेटेड है थोड़ा सा, मगर जो शेरनी है उसके ऊपर तो ऐसी कोई बात नहीं थी, उनकी ट्वीट से ही ये पता चल रहा था कि शेरनी जो है वो खड़ी है। तो अगर वो कुछ खड़े होके कुछ कह देते तो मेरा ख्याल है वो फिर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड भी हो सकती थी। सही। तो इसीलिए शायद नहीं किया उन्होंने। ठीक। देखिए वो तो अभी भी बाहर है ना। बिल्कुल। हाँ वो तो किसी स्टेज पर भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है ना जी। तो आगे फिर मौका आप कह रहे उन्हें मिल जाएगा? मिल सकता है अगर वो खुद चाहे तो। ठीक। सर थोड़ी सी बात अब हुकूमत और असद उमर साहब की कर लेते हैं। पिछले चंद रोज़ में इमरान खान साहब 2-3 बार असद उमर से मुलाकात कर चुके हैं और ख़बरें यही आ रही थी कि उन्हें फिर से काबीना की पोजीशन ऑफ़र कर दी गई है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया दोबारा से। और आज सर ये न्यूज़ चल रही थी कि उन्हें गालबन चेयरमैन लगा दिया है स्टैंडिंग कमेटी का, खजाना की जो कौमी असम्बली में होती है। सर असद उमर साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आया वो लेंगे पोजीशन, नहीं लेंगे, क्या करेंगे? देखिए असद उमर साहब जैसे कहते हैं ना हर्ट है। वो पहले तो एक स्टेट ऑफ शॉक में थे कि मेरे साथ हुआ क्या, खान साहब ने क्या किया जी। अच्छा उसके बाद वो मेरा ख्याल है फैमिली ने भी ये कहा होगा कि घर आ जाइए वापस, तो मेरा ख्याल है वो अभी भी उसी मूड में है, रुसे हुए हैं। अच्छा। उन्हें सही तरीके से मनवाना पड़ेगा। सही। हाँ बच्चे को घर आना है, बच्चे कोई बात नहीं गलती होगी। अब खान साहब ने भी एक फैसला कर लिया है कि जी उनको अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं मिलनी, अब पेट्रोलियम को वो ना कर चुके हैं जी, एनर्जी को तो अब क्या फिर क्या रह क्या गया है? तो मेरा ख्याल है कि असद उमर साहब कुछ अरसे के लिए पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करेंगे, पार्लियामेंट पीटीआई के जो कारकुन हैं उनसे रابطہ करेंगे, उनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहेंगे, उनके जो मसाइल हैं वो उनको बढ़ चढ़ के बताएंगे अब पार्टी को। और मगर मैं फिर कह रहा हूँ ये कि किसी न किसी स्टेज पे वो फिर इमरान खान साहब उनको मना लेंगे और वो वापस या काबीना में या किसी और अहदे पे जो कि जिसका तल्लुक हाई लेवल होता है, मगर ज़रूरी नहीं कि काबीना का हो। तो और भी बड़े हैं इस किस्म के इदारे, मगर ये होगा किसी न किसी स्टेज पे। अच्छा। और मेरा ख्याल है अभी वो जिसे कहते हैं ना अभी ज़ख्म जो है वो तकलीफ़ दे है। ठीक। सर इसी पे गुफ्तगु जारी रखेंगे फिलहाल वक्फे पे। नाज़रीन मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
सेठी साहब, असद उमर साहब का जिक्र हो रहा था आज सर, उनका जिक्र पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था उसमें इमरान खान साहब जिसकी सदारत कर रहे थे उसमें भी असद उमर साहब का तस्करा आया और काफ़ी ज़्यादा जो मेम्बरान थे उन्होंने अपने तहफ़ुज़ात से आगाह किया और उन्होंने ये सवाल किए कि उन्हें बताया जाए कि क्यों असद उमर साहब को हटाया गया, जिस पर खान साहब ने जवाब दिया कि ये उनका प्रेरोगेटिव है क्योंकि अवाम को उन्होंने जवाब देना है। तो सर इस पर आपकी क्या राय? यार खान साहब वो पसंद नहीं करते उनको कोई सवाल जवाब करे। अब पार्लियामेंट्री पार्टी आपको पूछ रही है कि जी हमें कॉन्फिडेंस में लें, बात क्या है? खान साहब नहीं लेने के लिए, हाँ जी बस मेरा राइट है जो मैं चाहूँ, मैंने नेशनल इंटरेस्ट में किया है। मगर एक तरफ तो उनकी समझ भी आती है ना कि वो ऐसे क्यों, अब वो अगर उनको बता दें अंदर की बातें क्या हैं तो वो तो सारी मीडिया में आ जाएंगी। सही बात है। तो पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर कोई खुली डिबेट नहीं हो सकती, अंदर की बातें नहीं हो सकती, वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं पब्लिक की प्रोपागेंडा के लिए, दोनों साइड्स प्रोपागेंडा करती हैं। अब पार्लियामेंट्री कमेटी ज़ाहिर है वो क्लोज डोर्स में थी, मगर वहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जो कि बातें हो रही होती हैं और वो बता रहे होते हैं अपने मीडिया कॉन्टैक्ट्स को, जिनकी वो चिड़िया होती हैं कि जी यहाँ अंदर ये हो रही बात, ये हुआ ये। तो खान साहब ने बेसिकली शट अप कॉल दे दी उनको, शट अप कॉल। जी बिल्कुल। आज सर तहफ़ुज़ात की बात कर रहे हैं तो पार्टी जो मेम्बरान थे उन्होंने फरदौस आशिक अवान साहिबा पे भी इनडायरेक्टली तहफ़ुज़ात से आगाह किया कि उन्होंने बताया कि इतने ज़्यादा वोटों से जो हार गई थी रुकन उसको आपने तर्जमान अपनी हुकूमत का लगा दिया और साथ ही साथ ये भी तहफ़ुज़ात से आगाह किया कि इतने अनइलेक्टेड लोगों को आपने इतनी की पोजिशंस दे दी हैं। देखिए असली बात तो ये है क्योंकि यहाँ बहुत सी सोल सर्चिंग हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, इलेक्टेड लोग हैं वो समझते हैं कि उनका हक बनता है पोजीशंस, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लेजिस्लेचर्स जो हैं वही एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में आते हैं, तो ये तो तकलीफ़ हो रही है सबको। अब वो देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर्स को मौके नहीं मिल रहे, उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे और टेक्नोक्रेट्स बाहर से लोग लाए जा रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नई बात होती है। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में तो ज़ाहिर है मेरा ख्याल है लेजिस्लेटर को ये भी पता है कि उनकी कोई इमरान खान से ज़्यादा उठक बैठक नहीं थी, ये तो जैसे कहते हैं ना कि एक पैराशूट करके आ गई हैं वो। जी बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ठीक है, फिर पीछे कोई बात नहीं रहेगी। आज सर तकर्रियों पे ज़रा आ जाते हैं। हालिया दिनों में गवर्नर स्टेट बैंक का भी नाम आया रज़ा बाकर साहब का, तो उनको लेके सर ये बड़ा शोर मचा हुआ है कि ये तो आईएमएफ और आईएमएफ को पूरा अपने कंट्रोल दे दिया अपने खजाने का, सर इस पर बता दें कि ये सही शोर मच रहा है या इस पर कोई शोर? तो सही मच रहा है क्योंकि है तो ये आईएमएफ के नुमाइंदे, मगर ये पहली दफ़ा है कि आईएमएफ ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक को कैप्चर कर लिया। अच्छा, पहले स्टेट बैंक के गवर्नर्स आते थे जो कि एक्स आईएमएफ के लोग होते थे और वो पूरी आईएमएफ को रिपोर्ट्स भी देते थे, मगर फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट होते थे। मगर आज सूरत हाल ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी उनका भी तल्लक है इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ और अपने गवर्नर जो नए साहब जिनको गवर्नर स्टेट बैंक बनाया है, मगर मेरा ख्याल है। और ये जो लोग जो बात कर रहे हैं, रजा रबानी साहब कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल है। ठीक, मगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसके दरमियान? हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बात यह है कि हुकूमत ने तो हैंडओवर ही कर दिया है तो सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री टू आईएमएफ, कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट कहाँ गया? तो खत्म हो गई बात। कॉन्फ्लिक्ट तो होती है कि अगर हुकूमत कहती नहीं हमने ऐसे करना है और आईएमएफ कहती नहीं आप ऐसे करें, और फिर आप आईएमएफ का एक बंदा एक ऐसी जगह पे लगा लें जहाँ उसका असर रसूख हो। यहाँ तो उन्होंने कहा जी ले लें आप सारा कुछ, खुद ही चलाएं, हम आराम से बैठ के कुछ और करते हैं। ठीक, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, यहाँ टोटल इंटरेस्ट एक ही है। ठीक, आपने हैंड ओवर कर दिया। आगे आए, जो असली बात जो चल रही है ना वो चल रही है ये कि प्रोसीजर क्या फॉलो हुआ है। एक इनका केस है और एक वो चेयरमैन एफपीआर जो शबर जैदी साहब जो कि उनको भी प्राइवेट सेक्टर से लाया जा रहा है, और उस पर सर काफ़ी ज़्यादा शोर भी मच रहा है एफपीआर के अंदर से कि वो बाहर से एक बंदा ला के अपने बिठा दिया। और अभी खबर रिसेंट ये आ रही थी कि इमरान खान साहब ने एफबीआर के नुमाइंदगान को बुला लिया है उनको कि अपनी रिजर्वेशन का बताएं ताकि उनको एतमाद में लिया जाए। देखिए जहाँ तक तो बाकर साहब का इशू है वो तो मैंने अभी बताया कि वो तो हैंड्स अप हो गए हम, और हमने कहा जी आप ही चला लें सारा ले लें आप। इसमें सिर्फ मेरे लिए एक तकलीफ है, वो ये है कि हमें तो आईएमएफ हमेशा ये कहता था कि गवर्नर स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी, हमेशा आईएमएफ की डिमांड ही होती थी कि गवर्नर स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि मॉनेटरी पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करें, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ उसका बिल्कुल करीबी रास्ता रिश्ता नहीं होना चाहिए। अब जब वो उस वक्त कहता था जब फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट थी और वो गवर्नर स्टेट बैंक को फाइनेंस मिनिस्ट्री से दूर रखना चाहते थे, एक अकाउंटेबल किस्म का चेक,
मगर अब क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री IMF ने टेक ओवर कर लिए तो अब उन्होंने कहा कि हमें स्टेट बैंक भी हमें दे दें। आज अगर स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट होता जो कि तारिक बाजवा साहब के अंदर उसने इंडिपेंडेंट रोल अदा करना था तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट बेहतर प्रोटेक्ट होते। सही, स्टेट बैंक अगर गवर्नर स्टेट बैंक IMF का है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, IMF का बंदा नहीं होना चाहिए। अगर IMF का बंदा फाइनेंस में है तो गवर्नर स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसे हुआ नहीं तो उसका तो आपके नतीजे आगे जाके नजर आएंगे आप। सही, अब आइए, ये तो इशू था ऑफ गवर्नर साहब। आइए शबर साहब का इशू। शबर साहब का इशू जो आपने अभी बताया कि जी उनके ऊपर जो बेसिक एतराज़ आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम द FBI इटसेल्फ कि ये हम में से नहीं है, ये बाहर से आप ला रहे हैं, और उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ किए हैं। उनमें से मेन एतराज़ ये है कि ये तो हमारे मुखालिफ रहे हैं, ये तो जब भी हम टैक्स वैक्स लगाते हैं बिज़नेस के ऊपर तो ये तो उनको एडवाइस करते रहे हैं, तो आज ये हमारे अंदर आके अपने पुराने क्लाइंट्स के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई करेंगे वगैरह वगैरह। मैं समझता हूँ ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, मगर इश्यू जो है ना वो ये आके ये नहीं बनेगा। इमरान खान साहब डटे हुए हैं कि उन्होंने शबर साहब को लगाना, जैसे वो डटे हुए हैं कि उन्होंने बाकर साहब को लगाना। दोनों में एक फ़र्क है जी, बाकर साहब की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट है, शबर साहब की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है। अच्छा, मैंने एक बड़े सीनियर वकील से पूछा जी, मैंने कहा ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, कंपेटिटिव प्रोसेस होना चाहिए, जो कि चार पहले एक ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें से दो सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था और एक लाहौर हाई कोर्ट का था जिसकी मैं अभी अब जिक्र करता हूँ। उनमें अदालतों ने ये होल्ड किया है कि जी एक क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है, एक रूल्स होते हैं उसके तहत आपने ये सिलेक्शंस करनी है। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि ये जो पिछले चारों केसेस थे ये तो सारे प्राइम मिनिस्टर के इनका ताल्लुक था। एक मेरा ख्याल है ओगरा का चेयरमैन ओगरा थे, तौकीर सादिक साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया अब 2012 में, पीपल्स पार्टी ने लगाया था उनको। फिर अली अरशद हकीम साहब थे, उनको पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन FBI लगाया था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी छुट्टी करा दी। फिर चेयरमैन SEC थे मोहम्मद अली साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी करा दी। फिर अफसार आलम साहब थे चेयरमैन पैमरा, उनको लाहौर हाई कोर्ट ने छुट्टी करा दी उनकी, क्योंकि हर जगह पर अदालत ने यह कहा था कि हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि वो क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंपेटिटिव होना चाहिए, और बंदा सही क्वालिफाइड हो वगैरह वगैरह, और वो अगर क्वालिफाइड भी हो और कंपेटिटिव ना हो या ट्रांसपेरेंट ना हो तो उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। अब अगर वो चीज़ें हैं तो ये दोनों की अपॉइंटमेंट चैलेंज हो सकती है। मेरा ये ख्याल था कि प्रेजिडेंशियल अपॉइंटमेंट चैलेंज नहीं हो सकती इस तरीके से, प्रेजिडेंट अपनी डिस्क्रेशनरी पावर इस्तेमाल करके जिसके ऊपर हाथ रखे उसके ऊपर चैलेंज नहीं हो सकता। मुझे ये बताया गया कि सलमान फारूकी साहब का केस था, वो फेडरल ऑम्बुड्समैन थे, उनके ऊपर भी केस हो गया था हालांकि वो प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट थे, उसके ऊपर अदालत ने कोई फैसला नहीं किया मगर केस चलता रहा, वो 3 साल के लिए अपॉइंट हुए, वो कोई फैसला नहीं हुआ उसके ऊपर, उसके बाद वो उनका टर्म खत्म हो गई और चले गए। मगर अभी तक ये जो रूल्स हैं दी अप्लाई टू प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स एंड प्राइम मिनिस्ट्री अपॉइंटमेंट्स, तो ये यकीनी तौर पर दोनों अपॉइंटमेंट्स चैलेंज होंगी। इसके लिए नहीं कि जी बाकर साहब जो है कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट वो प्रूव हो जाएगा कि हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो शायद उसके ऊपर प्रॉब्लम आए मगर चले वो भी निबट लिया जाएगा। जो इश्यू आएगा वो ये कि आपने प्रोसेस कौन सा फॉलो किया है, क्या फाइल सही तरीके से मूव की है नहीं की, कंपटीशन हुई है, इश्तहार दिया गया, ये किया वो किया, ये सारी बातें आएंगी। इसी तरीके से शबर साहब के ऊपर भी उनके जो FBI के जो इतराज़ हैं उनके अलावा ये भी इशू आएगा कि उनको कैसे प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर अपॉइंट कर दिया। ये ऐसा केस नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उठ के और एहसान मानी साहब को अनाउंस कर दे कि जी वो चेयरमैन PCB बन गए, ये दी रूल्स ओवर हेयर आर डिफरेंट। ठीक, तो अब बात ये है कि ये आगे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। इमरान खान साहब ने जो मेरी इतला के मुताबिक जो समरी मूव हुई थी शबर साहब के बारे में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने, वो आई कैबिनेट के पास कल जो दिन गुजर गया जी, और वहाँ उन्होंने सेक्रेटरी साहब हैं वो अब रिटायर होने जा रहे हैं तो उनको ये जो साफ पानी वाला केसेस थे उसमें भी उस वक्त वही सेक्रेटरी साहब थे। अच्छा जी, और उस मेरे जो चिड़िया की खबर ये है कि सेक्रेटरी साहब ने लिखा कि ये जो आप करने जा रहे हैं इनकी अपॉइंटमेंट शबर साहब की, ये ज़रा इसके ऊपर अदालत की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है कि हमने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो इसके ऊपर कैबिनेट सोच ले ज़रा। तो वो कैबिनेट में जब आई तो बहुत नाराज़ हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा वापस ले जाओ उसको, को फिर से समरी बना के भेजे और इसमें ये सारी चीज़ें निकाल दे। तो गालबन वो समरी अब आई है, पता नहीं आई है नहीं आई, अब क्या हो रहा है या किसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, मगर ये खबर चल पड़ी है।
कि ये, और अगर ये कहेंगे कि जी हमने तो सब्री नहीं मूव की थी, ऐसे नहीं हुआ ऐसे नहीं हुआ, ये तो किसी न किसी वक्त ये आ जाएगी बात। तो मैं ये समझता हूँ ये इस वक्त बड़े ख़तरनाक एरिया में प्राइम मिनिस्टर साहब घूम रहे हैं, इन्हें अदालतों का पता होना चाहिए। ठीक है, अदालतें बड़ी सिंपथेटिक है टू प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का आज तक तो कोई फैसला उनके ख़िलाफ़ नहीं आया क्योंकि उनके साथी बड़े पावरफुल हैं, मगर बात बड़ी सीधी सी है, ये किसी स्टेज पे फिसल सकते हैं। और ये दो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इसके ऊपर अगर सही तरीके से साथ कागजी कार्रवाई कर ली जाए तो वो बेहतर है। अच्छा सर, ये सर ये भी एक बड़ा आ रहा है कि एफबीआर के जो अपने मुलाजमीन हैं उन्होंने कहा कि हम ही इसको चैलेंज कर देंगे, बाहर वालों ने क्या करना? ना तो हो सकता है, बिल्कुल वो करेंगे, अगर उनमें से अगर तो कलेक्टिवली चैलेंज करेंगे तो वो तो बगावत हो जाएगी, वो तो फिर बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। मेरा ख्याल है कलेक्टिवली नहीं होगा, कोई ना कोई उठ के ये बाहर से कोई ना कोई कर देगा, या कोई रिटायर्ड कर देगा या एक्स कर देगा या कोई ओएसडी बना हुआ है वो कर देगा, इस किस्म की चीज़ तो ज़रूर होगी। ये भी हो सकता है कि वहाँ वो एक ग्रुप बना लें, एक ट्रेड यूनियन आ लें और कहे जी ये हमारे इदारे के इंटरेस्ट पे खिलाफ है, एसोसिएशन जो एसोसिएशन के खिलाफ है, और ये बिल्कुल बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। शबर साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, इसमें कोई शक ही नहीं है, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इनके टॉप क्लाइंट्स जो रहे हैं वो एफबीआर के टारगेटेड भी हैं, और फिर एक आध केस में इनके ऊपर इंक्वायरी भी चल रही है नैब की, और दिसंबर तक तो ये ECL पे भी थे, फिर इनको खान साहब ने ECL से उतार दिया, ये किसी ने नहीं पूछा कि क्यों आए और कैसे उतरे, मगर ये चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं। ठीक, अच्छा सेठी साहब, जाते जाते कोई पेशेंट कोई कर दें, आपको लगता है दोनों में से कोई एक नॉकआउट होगा? जी हाँ, मेरा ख्याल है शबर साहब जो हैं वो या नॉकआउट हो जाएंगे या अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, लेकिन हमारी तो उम्मीद यही है कि जो भी हो मुल्की मईशत के लिए अच्छा हो। लेकिन सर, प्रोग्राम का वक्त फ़िलहाल ख़त्म हुआ जाता है, नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी फिर इसी टाइम, हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।